जैन आई कैडेट अजहर शर्मा ऑफ 4th जी एंड के बटालियन एनसीसी जम्मू जीडीसी कठुआ। जैसा कि आज हम यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे नदी नाले हैं और हमारा जो आसपास का एरिया हम उसे साफ़ कर रहे हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट के निर्देश ने हमें ये दिया कि पुनीत सागर अभियान के तहत हमें इसको साफ़ रखना चाहिए और लोगों को भी वो करना है, मोटिवेट करना चाहिए कि ये अपने नदी नाले साफ़ करें। नारायण शर्मा, आई एम कमिंग फ्रॉम जीडीसी कठुआ 4th जे एंड के बटालियन एनसीसी जम्मू। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे नदी नालों के आसपास सफाई कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इधर गंद ना डालें, क्योंकि लोग गंद ज़्यादा डाल रहे हैं, सफाई कम कर रहे हैं। तो गंद कम डालो और सफाई ज़्यादा करो, और मैं कह रहा हूँ तो वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ताकि लोगों को इस वक्त ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेंगी हमें। ये हम पुनीत सागर के अभियान से तहत से कर रहे हैं साफ़ सफाई। अभी हम यहीं पे ड्रीम पार्क के पास कर रहे हैं। जय हिंद टू ऑल, आई कैडेट सिद्धार्थ सागर फ्रॉम जीडीसी कठुआ। आज हम सभी यहां पे एकत्रित हुए हैं पुनीत सागर अभियान के तहत साफ़ सफाई करने के लिए। तो हमें 4th जे एंड के बटालियन एनसीसी जम्मू की तरफ से भेजा गया है। तो हम जहाँ पे आज साफ़ सफाई कर रहे हैं, और हम लोगों में भी ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने जो नदियाँ नाले हैं उन्हें स्वच्छ रखें, क्योंकि जो गंदगी है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएँ। जय हिंद।